ये तो दहेज तो लूंगा नहीं मैं, बाकी रिश्ते विश्ते आ रहे हैं भाई, जो पसंद आएगी तब करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा एक तो साल। स्वागत है तुम्हारा आज की एक और नई वीडियो में। तो तुम्हारा भाई फिर से आ चुका है एक और तड़कती भड़कती वीडियो लेकर, क्योंकि तुम्हें पता ही है मेरी नजरें पड़ोस की भाभी से कम नहीं है। तो कल मैं अपनी भाभी वाली नजरों से एलविश यादव का पॉडकास्ट देख रहा था, तभी उन्होंने अपनी शादी से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज रिवील कर दी कि वो तो मैं तुम्हें बिल्कुल बता ही नहीं सकता। मैं बताता हूँ सच्ची बात है, देखो रिश्ते आ रहे हैं, नो डाउट आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। एक डॉक्टर का रिश्ता आया था अभी कितने दिन पहले आया था, कितने दिन पहले आया था भाई? एम्स, एम्स की डॉक्टर है, मतलब एडमिशन हुआ उसका अभी एम्स में, बाड़ा गया वैसे तो वो भी सही थी। एक एक रुपए बेचता लूंगा भाई मैं तो, कुछ होगा 1 रुपए और एक जी वैगन। जस्ट किडिंग, नो दहेज भाई, हम दहेज को प्रमोट नहीं करते, लेते हैं बस। तो गिफ्ट है दहेज थोड़ी है, गिफ्ट क्या दहेज, बोलो ना सीधा। नहीं भाई देखो, ऑन अ सीरियस नोट, देखो दहेज वहेज तो क्या ही लेना यार, दबा के लो। तुम लोग दबा गए, भगवान की दया है, सारी चीज जो होनी चाहिए घर में। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार जैसे सपोज किसी ने गाड़ी दी, दहेज में गाड़ी आ गई, क्या मजा चलाने का। नहीं वाला ऐसा लगा यार, दूसरी चीज चला रहे हैं, खुद गाड़ी दे चला लो। तो भगवान ने सही दे रखा है, जो होना चाहिए घर की जगह घर है, गाड़ी की गाड़ी है। तो दहेज तो लूंगा नहीं मैं, बाकी रिश्ते विश्ते आ रहे हैं भाई, जो पसंद आएगी तब करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा एक साल, एक साल में शादी हो जाएगी, कटारिया की। मुझे अभी टाइम है। मुझे पता है भाई तुम्हें न्यूज सुन के बहुत ही मजा आया, और मजा आया तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर तुम्हें पूरा पॉडकास्ट देखना है तो भाई लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।